नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके टेक्निकल राहुल के नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके प्रोटेक्शन में काफ़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों हार्ड ड्राइव मानना है और सबसे पहले फिंगर वाले बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये वाले ऑप्शन आएगा, इसमें आपको 7 नंबर पर लाना है, इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद फिर से एक बार इंटर दबाना है। और ये वाले जो सेटिंग है ये मैंने बता रखे है पिछले वाले वीडियो में, तो ये पीडी वाले जो है इस पर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये वाले ऑप्शन आता है दोस्तों, ठीक है। तो यह हुआ मैक्स स्पीड का। इसका दोस्तों पासवर्ड तो सबको पता है, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, 6 4 3 5 8 8 6। ओके दोस्तों, ओह सॉरी, ओह उस पर ये की वाले पे ले जाके आपको एक बार इंटर करना है। जब ये पासवर्ड मांगे उस टाइम है 6 4 3 5 8 8 6, ठीक है दोस्तों, ये खुल जाएगा तो आप नॉर्मली ये 800 तक है तो आप यहाँ से करोगे तो जैसे यहाँ पे तो 50 बढ़ रहे, एक बार 750 700 800, और होम स्क्रीन पे आपको कितने स्पीड पे चलाना है, मात्र 660 70 पे चलाना है। इससे मशीन का कंडीशन भी रहेगा सही और आपका प्रोटेक्शन भी सही निकलेगा, इससे क्या होगा धागा नहीं काटेगा आपका, ठीक है दोस्तों। नीचे है 2 नंबर पे मिनिमम स्पीड, इसमें दोस्तों आप 450 आप इसको नॉर्मली 4.5 पे ही रखिएगा, 4.5 5, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिजाइन के ऊपर है। आप 5 भी रख सकते हैं, जैसे आपका डिजाइन स्मूथ है चलने में सही है तो आप 5 भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये शिफ्ट स्टेज लेंथ जो है, ये टाके जैसे आपके डिजाइन में टाके लंबे हैं तो ये नॉर्मली इसको आप 6 6 8 तक ही हो, 7 तक होता है आपको 6 5 4, ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ज़्यादातर इसको 4 पे रखिएगा। इससे क्या होगा, जैसे टाका आपका लंबा है तो आप जैसे 5 रखते हो या 6 रखते हो तो ये पेंटाग्राफ ज़्यादा हिलेगा, ये जंप ज़्यादा करेगा, हिलेगा ज़्यादा, तो इससे क्या होगा आपका वो बेल्ट का कटने का डर रहेगा, जैसे ज़्यादा पेंटाग्राफ हिलता है ना तो बेल्ट कट जाता है, ठीक है दोस्तों। ये है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे सेट रन स्पीड, इसको आप नॉर्मली मैं 120 से 130 पे चला के रखता हूँ, ये 150 तक होता है, तो आप ऐसे ही आप भी 20 या 30 पे रख के चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है स्टार्टअप स्टेज, ये मतलब जैसे ही आपका डिजाइन चालू होता है जिस टाइम टाका गिरता है, नीडल गिरता है, तो एक टाका स्लो गिरेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लेगा, तो ये 9 तक होता है दोस्तों। तो इसको आप जितना पे रखना चाहते हैं, जैसे आप 9 पे रखिएगा तो 9 बार टाका धीरे धीरे गिरेगा, उसके बाद तेज होगा, तो नॉर्मली आपको इसको 1 पे ही रखिएगा, 1 ही सही है। स्टार्टअप ACC लिखा हुआ है तो इसको नॉर्मली आप 16 17 पे रखिएगा, वैसे ये तो 50 तक होता है लेकिन नॉर्मली आप 16 17 पे रख के चलाइएगा। ये हमारी सेटिंग है, मैं अपनी सेटिंग बता रहा हूँ दोस्तों आपको, और आप ये करके देखिए आपके प्रोटेक्शन में कितना फ़र्क आता है, ठीक है दोस्तों। ये है जंप स्टेज स्पीड, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो आपका डिजाइन लंबा टाका का है, ठीक है, जैसे आपके मशीन नॉर्मली 750 पे होम स्क्रीन पे है और आपके टाके लंबे हैं तो ऑटोमेटिक कभी कभी ना देखते हो आप कि आपका मशीन स्लो चलने लगता है, तो ये वाला है, आप इसको जितने पे रखिएगा ये टाका अगर लंबा है तो उतने ही पे चलेगा,
उससे कम नहीं होगा इससे। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपके टाँके लंबे हैं फिर भी ये उसी स्ट्रीट में चलेगा तो आपको दिक्कत करेगा, धागा काटेगा और पेंटाग्राफ में भी दिक्कत करेगा, इसलिए आप इसको 400 पे ही रखिएगा, 4 से ज़्यादा बढ़ाइएगा नहीं। स्पीड फॉर कोड एम्ब्रॉयडरी है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी सही है 400 पे। ठीक है दोस्तों, जो नीचे 9 नंबर पे है ये वाला और ये, जितना पे आप इसको रखिएगा इतने पे आप इसको रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला रहता है तो आप दोनों को एक ही रखिएगा, ठीक है, इससे आपके प्रोटेक्शन और मशीन सही चलेगा दोस्तों, धागा नहीं काटेगा, ठीक है। और ये दोनों का आप अलग अलग करते हो तो थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए आप जितना आप ऊपर वाले को रखिएगा उतने आप नीचे वाले को रखिएगा, ठीक है दोस्त। और सबसे नीचे वाला दोस्त है सेफ ड्राइविंग लाटो, ये सबसे मेन है दोस्तों, जो जीरो है। आप इसको जैसे आपके डिजाइन के ऊपर है दोस्तों, आपका डिजाइन लंबे टाके का नहीं है, स्मूथ है, डिजाइन चलने में बढ़िया है, तो आप इसको 2 या 3 +2 या 3 में कर दीजिएगा, देखिए मशीन आपकी किस तरीके से चलता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं ये अपनी सेटिंग बता रहा हूँ और मैं आप एक दिन ये सेटिंग करके देखो अब आपके प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क आता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो आप 1.5 लाख 2 लाख निकालते हो तो ये कितने का फ़र्क आता है आपकी ये सेटिंग पर, ना धागा काटेगा ना कुछ परेशान करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।